ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। भेल्टस की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ, इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। महालक्ष्मी को 59 टुकड़ों में काटने वाले कातिल मुक्ति रंजन ने मौत को गले लगा लिया है। मुक्ति रंजन की डेड बॉडी के साथ साथ तमाम ऐसे सवाल दफन हो गए हैं जो इस केस की असली सच्चाई का पर्दाफाश कर सकते थे, लेकिन महालक्ष्मी के कातिल मुक्ति रंजन के भाई सत्य रंजन ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने महालक्ष्मी से मुक्ति रंजन का क्या रिश्ता था, दोनों के बीच में क्यों लड़ाई चल रही थी और साथ ही क्यों 3 सितंबर को मुक्ति रंजन गुस्साया, इन सभी सवालों के जवाब दिए हैं। साथ ही ये केस अब एक नया मोड़ ले चुका है। सामने ये निकल कर आ रहा है कि मुक्ति रंजन के अलावा भी कई लोग महालक्ष्मी के मर्डर में शामिल हो सकते हैं और ये लोग महालक्ष्मी के बहुत करीबी बताए जा रहे हैं। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि मुक्ति रंजन के भाई ने महालक्ष्मी और अपने भाई के रिश्ते के बारे में क्या कहा और साथ ही किसके नाम इस मर्डर में सामने निकल कर आ रहे हैं। सत्य रंजन ने बताया कि एक दिन मुक्ति रंजन ने उसे फोन किया, वो काफी टेंशन में लग रहा था। सत्य रंजन ने पूछा, क्या बात है, क्यों परेशान हो? तो मुक्ति रंजन बोला कि वो लड़की महालक्ष्मी मुझे ब्लैकमेल कर रही है। महालक्ष्मी मुक्ति रंजन से सोने की चैन और 7 लाख रुपए ले चुकी थी। सत्य रंजन ने बताया कि जब ये बात फैमिली को पता चली तो वे भाई पर बहुत नाराज हुए। उससे कहा कि सब कुछ उस लड़की को दे दोगे तो हम कहाँ जाएंगे। बताया ये भी जा रहा है कि महालक्ष्मी लगातार मुक्ति रंजन पर शादी का दबाव बना रही थी। इतना ही नहीं, जिस गारमेंट शॉप में ये दोनों काम करते थे वहां महालक्ष्मी मुक्ति रंजन को किसी से बात भी नहीं करने देती थी। अब आपको बताते हैं कि कौन है वो आदमी जो शक के घेरे में खड़े हैं। दरअसल पुलिस को शक है कि महालक्ष्मी की मौत में उसका खुद का भाई उपकम सिंह भी शामिल हो सकता है। सत्य रंजन ने बताया कि महालक्ष्मी के भाई उपकम और उसके दोस्तों ने मुक्ति रंजन को धमकाया था, उसकी पिटाई भी की थी। साथ ही उपकम सिंह ने मुक्ति रंजन से कहा था कि जैसा महालक्ष्मी कह रही है वैसा ही करो, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को मार डालेंगे। इस बयान के बाद पुलिस उपकम सिंह से पूछताछ कर रही है। साथ ही पुलिस को उपकम सिंह के अलावा उत्तराखंड के हेयरड्रेसर अशरफ पर भी शक है। पुलिस पता लगा रही है कि कहीं इन्हीं दोनों ने मुक्ति रंजन को किडनैपिंग के केस में फंसाने का दबाव तो नहीं बनाया। आपको बता दें 21 सितंबर को बेंगलुरु के व्याली कावल में 3 मंजिला मकान में 29 साल की महालक्ष्मी की डेड बॉडी के टुकड़े मिले। महालक्ष्मी यहाँ किराए पर रहती थी। कातिल ने डेड बॉडी के 59 टुकड़े किए और उन्हें फ्रिज में रख दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, क्रांति तक।